देखो भाई प्यार है ना भाई, दहेज बेज मत देखो, दो जोड़ी में लड़की भगा के लेके आ जाओ, बाद में सब मान लेंगे भाई। अक्षय कुमार इज द खिलाड़ी इज बैक। मैं अक्षय सर से यही बोलूंगा कि फराज समझी को छोड़ो। हेलो वनवानी, मैं दीपिका, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों रक्षाबंधन का दिन है आज और पिक्चर का नाम भी रक्षाबंधन है, अक्षय कुमार की रिलीज हो गई है 11 अगस्त। हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के 3 इडियट्स। धन्यवाद बोलू विघ्नेश एंड समृद्ध, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। धन्यवाद धन्यवाद। रक्षाबंधन बना के आए, विघ्नेश रुके है जाके बनाएंगे। नहीं मेरा बाकी है भाई, अपने भी बहुत है और समृद्ध का भी बाकी है, लेकिन आ गए तीनों टाइम पे पिक्चर देखने के लिए। शुरुआत करूंगा फर्स्ट डेट गोलू से, कैसी लगी रक्षाबंधन? पहले तो यही बोलना चाहूंगा, आना तो बनता था यार, अपनी ऑडियंस अपने से इतना प्यार करती है, कमेंट सेक्शन देखते भाई हम लोग भी कौन गाली डाल रहा है, कौन प्यार कर रहा है, कौन ठीक है। बट वी लव यू अक्षय कुमार जी को। पहले तो मैं एक बोलूंगा, जो नाचे वो गाने पे डन कर दो जी। यस मजबूत नाचे, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उसमें जैसे अभी इसमें अपना लाल सिंह चड्ढा में बॉयकॉट उत्सव जो हुआ वो इसमें नहीं हो पाया, क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने एक भी ऐसा क्लू नहीं छोड़ा कि मतलब उनके लिए कोई कुछ गलत बोले, क्योंकि जो उन्होंने वो जो दिखाया वो माता जी का वो रहता है जगराता, उसमें जो नाचे उन्होंने, मैंने लिटरली ऐसा देखा ना, मैंने इतने ध्यान से देखा, कोई एक सीन में चप्पल दिख जाए तो अपन कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं। स्टार्टिंग टू एंड बहुत अच्छा डांस किया। चारों बहनों ने भी मतलब जैसा उनको होना चाहिए था, एग्जीक्यूट करना चाहिए था, उनको उनके हिसाब से बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया। बस एक चीज़ दो चीज़ ऐसे थोड़ी बहुत बुरी क्या लगी, मतलब ऐसा खुद से रियल लाइफ रिलेट होती है ना यार। अच्छा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना यार, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, कुछ करो। तो जब ही वो एकदम सबसे जो बड़ी बहन है उनकी जो शादी हो जाती है, वो जो अभी होता है ना, अभी पहले के ज़मानों में होता था ना कि जब दहेज के ऊपर से मतलब एक बेटी जब अपने क्या बोलते हैं अपने ससुराल जाती है, यस, तो होते ना रिलेटिव्स लोग आजू बाजू वाले लोग इसके उसके कान भरते हैं, लड़के के माँ बाप के, तेरे घर वालों ने क्या दिया ये वो, तो एक ये होता है, स्ट्रेस हो जाता है वो लड़की पे, यार यार दूसरे के घर से आई है अपने माँ बापों को छोड़ के तेरे लिए, तो वो जो सीन होता है ना वो सह नहीं पाती है और बोलती है यार मेरे भाई ने मेरे शादी के लिए खुद का धंधा दांव पे लगा दिया और फिर और उससे क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं, तो वो घूमते मतलब पूरे टेंशन में आके वो जो शूज कर लेती है ना, वो जो बहुत मेरे को दिल दहलाने वाला लगा यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक्चर बहुत अच्छी लगी, लाल सिंह चड्ढा से, यस लाल सिंह चड्ढा से 1000 times बेटर थी। 1000 times बेटर कह रहे, फर्स्ट डे मुंबई गोलू आऊंगा, सेकंड के पास में विघ्नेश। यस रक्षाबंधन कैसे लगी आपको? सबसे पहली बात यस सब अच्छा, मुझे बोलने दोगे अभी? अच्छा सबसे, अरे यार वापस से, सबसे पहली बात सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, एंड रक्षाबंधन के तौर पे अक्षय सर लेके आए रक्षाबंधन, इससे बढ़िया ट्रीट और क्या हो सकती है? क्या बात, लिटरली इट्स अ प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी, सभी मतलब कि फैमिली देख सकते हैं। एंड मैं यही अपील करूँगा सभी से, लाल सिंह चड्ढा को भूल जाओ, देखो चाहिए तो देख सकते हो, पहले रक्षाबंधन देखो, मतलब इट्स अ बोलते हैं ना, अभी जो लाइन बर से अक्षय सर की मूवी जो है फ्लॉप हो रही थी, दिल से बुरा भी लग रहा था, बट ऐसा था कि अक्षय सर बाउंस मार सकते हैं, फाइनली हमने हमारी वर्डिक के हिसाब से सर ने बाउंस मार लिया है, एंड कैरेक्टर ने इनका जो कैरेक्टर है उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया है। एंड ये फिल्म की अगर बात करें तो भाई बहनों का प्यार, मतलब कि अक्षय कुमार अपनी 4 बहनों से कितना प्यार करते हैं, उनका जो प्यार, उनका जो बॉन्डिंग है कि उनके शादी से पहले वो शादी नहीं करेंगे। एंड फर्स्ट हाफ में अगर देखोगे उसी में रहेगा कि अक्षय सर कैसे दहेज जोड़ते हैं अपनी बहनों की शादी के लिए, एंड क्या कॉमेडी होता है हीरोइन का बाप और उनका जो केमिस्ट्री होता है वो बहुत ही फनी रहता है, एंड बहनों का और उनका भी मतलब बहुत ही, मतलब कि फर्स्ट हाफ तो मतलब परफेक्ट एंड किया उन्होंने। सेकेंड हाफ जैसे इन्होंने बोला था स्पॉइलर नहीं देंगे, इन्होंने थोड़ा बहुत दे दी, हम नहीं देंगे, एकदम एंगल चेंज हो जाता है, फुल ऑफ इमोशंस, एंड अक्षय सर ने मतलब कि वो जो सेकेंड हाफ देखोगे ना उनको जैसे कॉल आती है
उनका बॉडी लैंग्वेज देखो अक्षय सर की, फ़ोन आती है अचानक से कुछ सुनते हैं तो उनका हाथ से फ़ोन गिर जाती है, एंड जिस तरह के रो रो के भागते हैं वो सीन के बाद से मतलब कि पब्लिक वो मतलब कि क्या बोलते हैं सीट से हिलेंगे नहीं, नज़र हटेंगे नहीं, और मतलब कि और रो पड़ेगी लिटरली। एंड अक्षय सर पिक्चर बहुत अच्छे से जमी। यस, रक्षाबंधन का ट्रीट मिल गया। ओके, मिल गया सब कुछ है। एक चीज में अक्षय कुमार इज बैक। यस, बिकॉज जो मूवी हमने देखी एंड इसमें सब कुछ है, भाई बहन का प्यार है, कॉमेडी है, लव एंगल है, एंड इमोशनल भी है, एंड एक सोशल मैसेज भी है। सोशल मैसेज बिकॉज एक सॉरी आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, इनका जो कैरेक्टर अगर आप देखोगे टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें जो कैरेक्टर निभाए थे सेम वैसे रहेगा, बट अक्षय सर हैज़ डन ए ब्रिलियंट जॉब। मैं अक्षय सर से यही बोलूँगा कि फराज समझी को छोड़ो, आप इनके साथ ही बनाओ। अभी मैं न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है कि इनके साथ एक और फिल्म आने वाली है, आनंद दिल रहे के साथ। बिंदास करो फराज समझी, वराज समझी और कौन उनको सब छोड़ो, उनको सब बोलो छुट्टी पे भेज दो, इनके ऐसी पिक्चरें करते रहो। फर्स्ट एंड सेकंड इडियट को रक्षाबंधन अच्छी लगी है। आता हूं थर्ड इडियट के पास में। समृद्ध, कैसे लगी आपको रक्षाबंधन? ये देखो, ये है गेटी गैलेक्सी का टिकट, और ये टिकट मैं लिटरली संभाल के रखूंगा, इतने अच्छी तरह से सम्मान के रखूंगा, क्योंकि ये पिक्चर ने मुझे थोड़ी एनर्जी दे दी। Okay. पहली बात, अक्षय कुमार इज बैक। Wow, खिलाड़ी अक्षय कुमार इज द खिलाड़ी इज बैक, इसको बोलते हैं खिलाड़ी। और इसके पीछे ये और चार और तीन बहनें नहीं है, उनको मैं लिटरली मैं उनको बोलता हूँ मेरे को राखी बांधो। अरे ओके, इनको देख के आपको गोलू की याद आई क्या? गोलू की बहन तो लग रही है बॉस। देखो लाइट भी जल गई अभी, देखो ये तो बहुत क्यूट लग रही है बॉस, एकदम चबी चबी सी, इनके जैसी लेकिन बॉस मैं बोलूंगा दैट फोर गर्ल्स लुक्स डैम क्यूट, बट मैं उनसे मैं एज एन हीरोइन की नज़र से नहीं देखूंगा, एज ए बहन की नज़र से देखूंगा उनको। और ये बंदे को मैं अभी स्टार की नज़र से देखूंगा, अक्षय कुमार द सुपर स्टार की नज़र से देखूंगा अभी, क्योंकि लाइक छाती चौड़ी हो गई मेरी। पहली बात, ये फिल्म इज सुपर हिट। क्योंकि ये जो ये साल अक्षय कुमार के लिए बहुत टफ था, क्योंकि उनके चारों के चारों फिल्म फ्लॉप, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट जस्ट बिकॉज ऑफ अ वन मैन गोज टू आनंद एल राय, द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। उनका सिर्फ जीरो छोड़ो, सिर्फ जीरो छोड़ दो, गड़बड़ हो गया था शाहरुख के साथ में, वो थोड़ा छोड़ दो, लेकिन और एक मान और एक बोलूंगा हिमांशु शर्मा एंड कनिका डिलॉन, अरे मजा आ गया यार। हिमेश बच गई और हिमेश रेशमिया जबरदस्त यार, मतलब हिमेश रेशमिया का वो जो लास्ट का एक सॉन्ग ने एक आंसू जो गिराया, उधर से ही मेरा ये टिकट वसूल हो गया। Okay. और पैसा वसूल हो गया लिटरली, जो लाल सिंह चड्ढा का वो चाटा है ना लिटरली, वो आज मेरी बहन ने आज ऐसा ऐसा किया है मतलब। लाइक रक्षाबंधन अच्छा गया, मतलब नॉट एज ग्रेट बट अच्छा गया। तो मेरे हिसाब से दिस फिल्म में सुपर हिट, क्योंकि मेरे को समृद्ध को यस सर अक्षय कुमार की रक्षाबंधन अच्छी लगी, कुछ कहना चाहते हैं सर? देखो लास्ट है, लेकिन मैं एक बोलना चाहूंगा जो कैसा पार्ट में, तू बहन के नज़र से ही देखना, चारों को जुर्रत भी मत करना। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं करेंगे, से बोला नहीं आज रक्षाबंधन नहीं, भाई कसम खा के बोलता हूँ, कसम खा के बोलता हूँ, मैं एक्टर के नज़र से नहीं सिर्फ बहन के नज़र से। चारों में से आपकी कौन सी फेवरेट बहन है? वेल सभी तो फेवरेट है, सभी को मैं भी अपनी बहन जैसी देखता हूँ, बट डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड पहली वाली जो सबसे बड़ी है, सबसे गोलू वाली बहुत ही क्यूट लगी। अच्छा, वो देखते थोड़ा थोड़ा गोलू का भी याद आया उनका, वो भी ऐसे नटखट नौटंकी ऐसे करते रहती है, मुँह फट ऐसे ही वैसा कुछ मन में आया बोलती रहती है, कुछ छुपाते नहीं है दिल के, ऐसे लोग अरे आपने सुना नहीं, ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कुछ भी बात छुपाते नहीं है। और मैं ये बोलना चाहूँगा हीरोगिरी वो देखने में नहीं, ये देखने में है। यही मैं बोलूँगा। चलिए आउट ऑफ फाइव रक्षाबंधन को आपकी तरफ से कितने मिले? देखो मैं बोलूँगा रक्षाबंधन टाइम मतलब कि बराबर है 1 hour 50 minutes। यस अगर इसको थोड़ा और मतलब कि हम बोलते लाल सिंह चड्ढा का कुछ ज़्यादा ही टाइम लंबा हो गया था, खिंच गया
अभी रक्षाबंधन जो है 150 के बदले आप 2 कर सकते थे, 2 कर सकते थे, थोड़ा लंबा हो जाती फिल्म थोड़ा, मतलब कुछ चीज़ें ना, अभी लास्ट वाला जो लास्ट वाला मेरे को क्या लगा सीक्वेंस, जैसे उन लोगों ने एकदम से फास्ट कर दिया लास्ट वाला सीक्वेंस, बट ठीक है नो प्रॉब्लम, देख सकते हैं बहुत अच्छा। कितने मिलेंगे आउट ऑफ 5? 3.5 मेरी तरफ से। हमारे सेकंड एडिट विग्रेश ने फर्स्ट एडिट आउट ऑफ 5 कितने मिलेंगे? नहीं नहीं एक्चुअली मैं कुछ बोल रहा था, माइक ने माइक छीन लिया मेरे को, हंसने आ रहा है। अच्छा अच्छा नहीं मैं फिल्म के बारे में बोलना चाहूंगा। फिल्म नहीं नहीं क्योंकि पूरी पिक्चर का ड्यूरेशन मेरे को बहुत पसंद है, एकदम छोटी पिक्चर है, बहुत अच्छा सोशल मैसेज दिया है। देखो भाई प्यार है ना भाई, दहेज बहेज मत देखो, दो जोड़ी में लड़की भगा के लेके आ जाओ, बाद में सब मान लेंगे भाई। दो क्या बात है, मियाँ बीबी राजी, काजी भी राजी हो जाएगा भाई, मैं बोलता हूँ भाई। नहीं नहीं एक मिनट बोलने दो, नहीं 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 मैं बोलूंगा यार, मेरे माइक छीन लिया इन्होंने। बोलो बोलो। नहीं सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने अभी बोला कि क्लाइमेक्स पे ज्यादा नहीं 15 से 25 मिनट, आधा घंटा भी आप खींच लेते, थोड़ा क्लाइमेक्स से कुछ बनाते तो थोड़ा मजा आता। ये क्या हो गया मान ली, मैं यहाँ से डोर छूटी, वहाँ पकड़ ली और वहाँ से हो गई यहाँ हो गई, वो थोड़ा फास्ट हो गया। बस थोड़ा सा खींच लेते ना, थोड़ी हल्का सा स्टोरी का और हल्का सा तड़का मारते ना, मजा आ रहा था कि थोड़ा और होता ना। यस ग्रिपिंग है, कहानी भी है। यस अक्षय कुमार आ गए वापस बोल रहा हूँ। अरे यार भूमि भी है साथ में, तुम उसको भूल गए यार, उनके भाई टॉयलेट में फ्लश का साफ पानी है वो। 5 में से कितने मिलेंगे रक्षा? मैं 5 में से 3.5 देना चाहूंगा। 3.5 दिए हमारे फर्स्ट ने, सेकंड ने, थर्ड, अभी आउट ऑफ 5 रक्षाबंधन। ये फिल्म को मैं टेक्निकली एडिटिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन, प्लस उसकी स्टोरी के लिए, और प्लस कनिका ढिल्लों ने, हिमांशु शर्मा ने, हिमेश रेशम या आनंद डेल रहा है और अक्षय कुमार, और चारों बहनों के लिए, चारों बहनों के लिए 5 out of 4.5 क्या बात है, सुपर हिट बोल दिया, सुपर हिट का टैग दे दिया हमारे मुंबई के तीनों हिट को। रक्षाबंधन काफी अच्छी लगी है पिक्चर। और ऑब्वियसली पूरे रक्षाबंधन की टीम को भी बोलना चाहूंगा हैप्पी रक्षाबंधन, और खास करके मेरी जितनी भी बहन है, भूमि भी बहन है मेरी, नोट करना, नोट किया, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, हमारे ऑडियंस को भी हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। कमेंट लव यू ऑल, कमेंट कीजिए, अपने विचारधाराएं बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यार भरे और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। यस यस थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू।